गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल और मामती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, माया माया के पापा और मम्मा। हम लोग घूमी घूमी कर जा रहे हैं ना मम्मा। दादी बोलो, दादी हमको क्या लगा दी? काला टीका लगा दी। हमको भी लगा दो। इसमें भी लगा दो बाडो, यूट्यूब फैमिली लोगों इन लोगों को भी लगा दो। ये लो मायरा सभी को काला टीका लगा दी और खुद भी लगाई। अब मम्मा को लगा दो और एक बार। मम्मा को लगा दो। इतनी गुम हो गया। ये ड्रेस इसको टाइट होता था, अब ये ड्रेस इसको लूज हो रहा है बहुत। गाड़ी दादी को लगा दो। दादी को लो अच्छे से लेके। गाइस आज सुबह से एक तो हम लोगों का भी तबीयत खराब था। आप लोग मम्मी डॉट ऑन वाले में जाके देख ही लो, मेरा शेखर का मायरा का मम्मी को काला टीका लगा था, लेकिन मम्मी को नजर लग गया। सबका तबीयत खराब था, तो चार पांच बार ये वोमिट किया है और चार बार लैक्टिस लगा है। और खाना तो एक महीने से जो छोड़ी है बस, पहले तीन टाइम खाना खाती थी, अब एक टाइम मुश्किल से खा रही है। इसका इधर आइए पापा, इधर आइए, इतना ज्यादा ये लूज हो गया है। तो अभी जाके डॉक्टर कोलकाता में भी दिखाया था, मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये डाटा कर रही है खाने के लिए। काला टीका कितना दुबला होता है भाई, टाइट हो रही। मम्मा को नहीं लग रहा। किसी का तो बेटा काला टीका। तो अभी जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर से दिखाएंगे, डॉक्टर क्या बोलता है आप लोगों को भी बताएंगे। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया, मैंने देखा ये करो वो करो, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। तो पता नहीं, आप लोग बोलते हो पीस के मत खिलाओ, हार्ड खिलाओ, हार्ड भी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार्ड खाती है, थोड़ा बहुत खाती है, उसके बाद नहीं, पेट नहीं भरता है। वो खाएगा, फिनिश करेगा, सेकंड दाना मुंह में अगर आप दे सकेंगे तो मान लो, सेकंड दाना लेगा ही नहीं, फर्स्ट दाना जो लेगा ना वो फेंकेगा नहीं, उसको खा लेगा। ठीक है, सेकंड दाना उसको लग रहा है बुखार है अंदर से। चलो हम चाबी लेके आते हैं। तो इसमें रिडक्शन है, बुलाए बाइक से जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलता है आपको अपडेट करेंगे। सॉरी आज ब्लॉग टाइम से नहीं दे पाया, बट जो भी आप देख रहे हैं सबकी तबियत खराब है, तो कुछ भी कर नहीं सकते। चलिए मिलते हैं डॉक्टर। मायरा अभी आपका इलाज होगा ना बाबू। मायरा सुस्त हो गई है बेचारी, है ना बाबू। ओ बाबू बैठो वहाँ पे। बाबू हाय करो इधर। हाय हाय बच्चा आपको। सो गाइज अभी हम लोग डॉक्टर के पास आ गए, एंड अभी डॉक्टर दिखाएंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, है ना मम्मी। जाएंगे अंदर, लिखे लाइन तो ज़्यादा नहीं है, खाली है, खाली है। अभी जाएंगे। मायरा आपको सुई लगेगा। ओ बाबू अच्छा डॉक्टर दवाई दे दे और मायरा खा के जल्दी से। मायरा बाबू आपको सुई लगेगा। मायरा आपको सुई लगेगा बाबू। पापा बाबू आपको सुई लगेगा, देखो आपको बड़ा सुई लगेगा। सुई लगेगा आपको। चलो अब और खाना नहीं खाओ, है ना मायरा। अब खाना नहीं खाओगे तो आपको सुई लगेगा। मायरा तो चलिए चलिए मिलते हैं डॉक्टर के आने के बाद, और क्या बोलता है नहीं बोलता है आपको बता रहा हूँ। ओ बाबू आपको सुई लगेगा बाबू, अभी तो आपको सुई लगेगा। अब क्या करोगे, जब खाने बोलते थे तो नहीं खाते थे। गजब कॉमेडी है, अभी आ नहीं, अभी रोगी तुम, देखो ना। दोनों माँ बेटी कॉमेडी एक नंबर की।
तो अभी डॉक्टर से मिल के आ भी गए। डॉक्टर ने कहा है सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है तो इंजेक्शन लगेगा, जितना भी कफ है बाहर निकाल देगा। क्या हुआ? दूर से वीडियो बनाई, मुंह में घुसा रही वीडियो। सुन लो ना, ऐसे घुसा दे रहे, क्या हो गया? मुंह में घुसा देंगे तो पता नहीं चलेगा चेहरे का कटिंग क्या तुम्हारा। मायरा इंस्टाग्राम रील्स क्यों नहीं बनाती है ऐसे? बनाया करो, ये वायरल होगा। मायरा जब आ करती यादगार सब चीजें है ना, फिर लेती है। ओ, खुद ले रही है। बदमाशी नहीं, अभी सुई लगे तुमको रोना है। मेरा बच्चा मुंह तनी को हो गया एक मिनट ना। बदमाशी कर रही है, डॉक्टर के पास भी तुम हाय हेलो कर रही थी, हाय कर रही थी। बेटा बाबू रो रहा है। बाबू कैसे रो रहा है? कैसे रो रही है? दिखा दे, दिखा दे। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब इसको सुई लगने वाला रहेगा तब शायद गिर जाएगी। गिर जाएगी। नो मामा नो। ये हम नहीं जाएंगे, हम दूर से ही है। पापा तो और दिलाएंगे आपको। हम तो एकदम देखी बहू कस के पकड़ेगा वो। तो घर आते ही आई लव यू बोलिए। अभी आई लव यू बोलो बेटा, आई लव यू बेटा, बोलो आई लव यू। बाबू हमेशा इसको बोलते रहता आई लव यू, इसलिए हमको बोलते मम्मा आई लव यू। इधर सुना के बोलो ना, उधर बोलो आई लव यू, सबको बोल दो। अरे मम्मा आई लव यू बोलो, एक बार बोल जाओ, एक बार मेरे लिए बोल दो पापा को। दूसरा सुई भोग देंगे अभी ना मम्मा बेटी को। कैसा लगा सुई? बोल दो तू, उठ के बोल लो तो मम्मा आप बोल दो। चलो बेटा दादू के साथ पेटू खेलते हैं। चलो लेके चलो इसको दादू के साथ आज खेलेंगे। चलो आओ, हिम्मत नहीं भर रहा सोना, देख चलो ना दो मिनट के लिए, थोड़ा बेचारे खेले ही अब खेलने दिए। चाचू ले, चाचू को बोल दो कहां सुई दे दिया। सुई दिया का पूछो कुछ पता नहीं कहां दिया बेटा सुई किधर दिया, किधर दिया? बम दिखा दो, अपना बम दिखा दो। चलो दादू पास ले चलो सेकर, आई लव यू बोल दो। आई लव यू, आ जाओ तो डॉक्टर दिखा लिया, बोला कि सुई याद ना सेको। तो बेटा दादा आऊ, दादा तो दादा पेटू किधर है बेटा? बेटा बेटा दादा का पेटू किधर है बेटा? ओ मायरा दादा का पेटू किधर है बेटा? खैनी खा के दिखाओ तो, इधर इधर कैमरा में इधर देख के दादा खैनी खा ले। पूछो खैनी खा ले, जो कुछ तो नहीं खा ले डॉक्टर। हां ली ए बोला कुछ नहीं, बोला दुबला तो हो गई है। बहुत दवाई दिया है, डोज खत्म करिए।
दिखाया थे कब उतना क्या बोलने जाएंगे, बस दिखा दिए, बोल दिए, ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। ओए बाबू, दादू के साथ क्यों, दादू को पेटू किधर है बाबू, दिखाओ तो। चल चल रुके वहां पर, डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कि क्या क्या हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर को बोला ये प्रॉब्लम है, एक महीने से खाना नहीं खा रही है और अभी 5 दिन से 4 बार प्रत्येक दिन, 2 दिन से उल्टी कर रही है और लैटरिंग भी कर रही है पतला पतला, और दवाई मतलब दवाई दिया दांत वाद की वजह से। डॉक्टर कभी ये सब नहीं मानता दांत वाद की वजह, अगर तुमको बाल बच्चा होगा फ्यूचर में तो ये सब बोलना भी मत, वो सब वैसे मिथ टाइप का बोलते हैं, डॉक्टर ऐसा बोलता है, वैसे मानने के लिए तो इंसान मानता ही है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि दवाई खिलाइए ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन दिया मायरा को, जो कि आपने देखा कितना रो रही थी वो, बाकी अब दवाई खिलाते हैं। और सुबह से शाम तक किसी का हिम्मत नहीं था खड़ा होने का, वो तो अभी उठा है, देखो क्या हाल हो गया है। और मेरा जाने का हिम्मत भी नहीं था डॉक्टर के पास, कैसे कैसे मैं गया, और इसको देखो, हमको तो मत बोलेगा मेरा तबीयत खराब था, फिर तुम्हारा तबीयत कब नहीं ठीक रहता है, तबीयत ठीक है, खराब तो नहीं है, खांसी हो गया बस, बहुत खांसी हो रहा। और खाओगी ठंडा चीज, हम का खाए जी, हम भी ठंडा खाए यहाँ पे, आइसक्रीम खाई ना उधर कोलकाता में खाए, तब फिर तो असर कब करेगा। 1 बजे खाए थे ना आइसक्रीम, आइसक्रीम खाया था तो बताओ। और लड़कियों वाली प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, इसी से हम बहुत तबीयत मतलब क्या हिम्मत नहीं, थर थरा जैसा हो रहा है। तो अभी हम तो फिट है, इन लोगों का तो ज्यादा ही हमसे हो गया, हमको इसीलिए कमजोरी जैसा फील हो रहा है, हम बस को लड़कों वाला प्रॉब्लम है। हमको शेखर को हाँ, इन लोगों को लड़कों वाला प्रॉब्लम और हमको लड़की वाला प्रॉब्लम, हम बस कमजोरी जैसा, हमको मेरा तबीयत नहीं खराब लग रहा, हमको बस खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा है और कमजोरी फील हो रहा है बस। सुबह से तो फिर भी ठीक थे, दोपहर को और ज्यादा एकदम लगने लगा, मायरा उल्टी करे, वो सब भी साफ वगैरह कर रहे ना, तो मन तीखा खाने का मन किया, बुखार होने, चलो गोलगप्पा फिर खिलाया इन लोगों को। हाँ गोलगप्पा खिलाया, लेकिन तब वीडियो नहीं, कोई था वीडियो नहीं कर पाए, हम लोग गोलगप्पा खाए, लेकिन अभी हम कुछ खाएंगे नहीं, मेरा पेट फुल हो गया, 20 रुपया का गोलगप्पा, बहुत कंजर है, जानता है कंजर है, 20 रुपया कम है क्या, एक 10 रुपया में गोलगप्पा 7 को देता है, 6-7 को गोलगप्पा खाएंगे ना, आते टाइम देख के खा लिए। मम्मी बोला है गोलगप्पा खाने गई थी। मारा तुम्हारा मायरा भी गोलगप्पा खाई, एक पूरी खाई या दो फेंकी, इसको 3 दिए सूखा, दो तो फेंकी। तो चलिए गाइस, ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे आप लोगों को, तो अब मिलते हैं कल अच्छे फ्रेश ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए इतना ही। सब मम्मी को भी चोट लग गया है पाँव में पूरा, मम्मी का तो ऑल टाइम। बस पापा ही ठीक है, लेकिन पापा भी अंदर से भी कल सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, बैठते रहेंगे कुर्सियां में ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं। चलो गाइस मिलते हैं, बहुत आपसे बातें कर लिया, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल, बाय, लव यू, टेक केयर, एंड मम्मी पैसा रख लो, ये गिर जाएगा वरना मेरे से, चलो बाय।